कहानी की शुरुआत तब होती है जब विंटर मार देता है नाइट कमांडर को। सवाल अभी वही कि आखिर क्यों, बट अपने भाई का बदला लेने के लिए आता उसके बराबर ब्लैक कमांडर। घमासान युद्ध में एवी एंटर में पत्त हो जाता है, लेकिन फिर आगे उससे मिलता है रेड कमांडर। अब आगे तो यार इस तरह कुछ एवियन टायरेंट और ये तीन कमांडर, नाइट कमांडर, रेड कमांडर और ब्लैक कमांडर लड़ते हैं, बट इसके पीछे का सच किसी को पता नहीं कि एवियन टायरेंट ने नाइट कमांडर को मारा क्यों। अब इस चीज़ का पता लगाने के लिए रेड कमांडर जब एवियन टायरेंट से लड़ता है तो एवियन टायरेंट जो रेड कमांडर को मार देता है, मतलब कि मारने बेहोश कर देता है और अपनी जेल में कैद कर लेता है। तो ब्लैक कमांडर की एवियन टायरेंट के घर जाता है और उससे पूछता है कि भाई मेरा भाई कहाँ है और मेरे छोटे भाई को तूने मार दिया। तो एवियन टायरेंट दिखाता है कि भाई उसने उसके बड़े भाई रेड कमांडर और ब्लैक कमांडर की फैमिली को किडनैप कर लिया। अब इस चीज़ से ब्लैक कमांडर पूरी तरीके से डर जा रहा है और अब एवियन टायरेंट ब्लैक कमांडर को कहता है कि भाई मैं जो करूँगा वो कर, तो तेरी फैमिली और तेरा बड़ा भाई रेड कमांडर बचेंगे, वरना सबको मार देगा वो। उसने कहा कि तुझे एक लिविक नाम पे मैप पे जाना होगा और वहाँ पे सर्वाइव करना होगा, सबको मारना होगा। तो जितने ज़्यादा बंदे मारेगा उतना ही तेरे लिए बेनिफिट रहेगा और जितना ज़्यादा तू टिकेगा उतना तेरे लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि अगर तू एंटार्क्टिका मतलब तू जीता, लेकिन अगर तू बीच में मर गया तू भी ख़त्म और तेरी फैमिली भी ख़त्म। यानी कि अब रेड कमांडर को बचाने और अपनी फैमिली को बचाने ब्लैक कमांडर को एंड तक सर्वाइव करना होगा और बंदों को मारना होगा। बट यार एलिनो ही इज़ अ कमांडर, वो बेवजह किसी को तो मार नहीं सकता, उसके उसूलों के खिलाफ है। लेकिन यार जब बात तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे भाई और मतलब कि तुम्हारे चाहने वालों के बात में हो, तब दुनिया का सबसे बड़ा उसूल वाला इंसान भी अपने उसूल तोड़ देता है, क्योंकि उसके लिए अपनी फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो कुछ इस तरह वो लिविक में आता है और ट्राई करता है कि वो एंड तक टिका रहे। और एवियन टायरेंट के घमासान युद्ध के दौरान रेड कमांडर बेहोश हो जाता है, जो जेल में पूरा होता है। ब्लैक कमांडर को भी थोड़ी बहुत जो है इंजरीज होती हैं, बट फिर भी वो लड़ने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि हमारा ब्लैक कमांडर बहुत ही ज़्यादा टफ बंदा है, वो किसी से डरता नहीं है। तो ऐसे ही नहीं हो कि यार ब्लैक कमांडर इज अ कमांडर, तो उसे सारे अच्छे अच्छे वेपन्स के बारे में पता रहता है, तो वो अच्छे अच्छे वेपन्स लेकर आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते हुए उसे एक बंदा दिखता है जैसे कि वो मारने के लिए रुकता है। उसे सोचता है कि मैं कमांडर हूँ, मैं किसी को बेवजह मार नहीं सकता। बट एज यू नो मैंने आपको कहा था कि यार दुनिया का सबसे बड़ा उसूलवादी इंसान भी अपनी फैमिली के बाद मार देता है, आई मीन नई उसूल को छोड़ता है। तो यहाँ पे ब्लैक कमांडर पहले एक बंदे को मार देता है। उसे बुरा बहुत लगता है यार, क्योंकि एक बेगुनाह इंसान को मारना, तो वो भी एक कमांडर होते हुए, उससे अच्छी बुरी सब चीज़ों का फर्क होती है। वो इतना तो उसमें नॉलेज होता है कि यार किसी को मारना गलत बात है, बट आफ्टर ऑल यार अपनी फैमिली को बचाने के लिए उसे ये सब करना ही पड़ता है। तो अपने कमांडर यही सोच रहा था कि यार अब उसे कोई बंदा ना मिले और बेवजह किसी को मारना ना पड़े, बट यहीं पे उसका सब ख़त्म हो जाता है कि यहाँ पे वो जिन जिन लोगों को मार रहा है वो कोई बेवजह नहीं है, क्योंकि उस पर एक गन्स के ऐसे खतरनाक शॉट है जिससे वो पूरी तरह से घबरा जाता है। पूरी तरीके से वो मरने वाला था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ अच्छे कवर में जाने की वजह से वो बच जाता है। अब उसे पता चलता है कि एवियन टायरेंट उसे ये कहा था कि तुम्हें तो मैं इस आइलैंड पे इसलिए भेजना क्योंकि तुम्हारी फैमिली मेरे कब्जे में, इसलिए तुम्हें भेज रहा हूँ। क्योंकि ये एवियन टायरेंट एक ऐसा आइलैंड क्रिएट किया है जहाँ पर सब एक दूसरे लड़ते हैं और जीतने वाले को बहुत सारे पैसे मिलते हैं। मतलब जिन जिन के साथ एवियन टायरेंट ब्लैक कमांडर लड़ रहा है वो कोई जैसे जैसे बंदे नहीं, खतरनाक बंदे हैं। दैट्स वाई यार ब्लैक कमांडर के सामने आने वाले बंदे सारे के सारे खतरनाक है। अब यहाँ पे ब्लैक कमांडर को आ जाता है गुस्सा और वो इसको मार देता है। और फिर उसे पता चलता है जिन जिन लोगों को वो मार रहा है वो कोई जैसे तैसे बंदे, वो भी एक क्रिमिनल्स है जो पैसे कमाने के लिए आइलैंड पे आते हैं, एक दूसरे को मारते हैं। तो फिर अब ब्लैक कमांडर को बुरा नहीं लगता, लेकिन पहले जिसको मारा था उसे बुरा लगता है, उसे लगता है कि यार ये सब इनोसेंट बंदे, बट रियलिटी इज़ कि ये सारे के सारे खतरनाक बंदे हैं। जो जीतता है और जो जिंदा रहता है वो आगे बढ़ता है।
बट आफ्टर ऑल ब्लैक कमांडर इज अ कमांडर, दैट्स व्हाई वो अच्छी तरीके से टिक जाता है इस गेम में। और ये एवियन टैनन का एक ऐसा रचे हुआ गेम है जो कि बहुत खतरनाक है। और अब जाके एवियन कहीं ना कहीं ब्लैक कमांडर को ऐसा लगता है कि जो नाइट कमांडर है उसका छोटा भाई, शायद उसने ये समझ लिया होगा कि एवियन टैनन जो ये आइलैंड पे ऐसे काम कर रहा है तो बहुत ही गलत है और वो शायद एवियन टैनन की पोल खुलने वाला है, दैट्स वाई जो है एवियन टैनन नाइट कमांडर को मार दिया होता है। बट इसकी रियलिटी तो आपको आगे जाके पता चलेगी। तो यार इस सीरीज़ को आप पूरा देखिए, इसके आगे भी मैं एपिसोड डालूंगा, अगर आपको पसंद आए तो मेरे को कमेंट में करो कि आपको जानना है द रियलिटी की क्यों यार एवियन टैनन ने नाइट कमांडर को मारा। अब जैसे ब्लैक कमांडर आगे बढ़ता तो उसके सामने एक बंदा आ रहा है जो कि मॉन्स्टर ट्रक लेकर आ रहा होता है। उसे वो ट्राई करता है कि वो ब्लैक कमांडर को मॉन्स्टर ट्रक से कुचल दे, उसे बाहर निकलना ना पड़े। पर कहीं ना कहीं उस बंदे को पता भी चल जाता है क्योंकि जिस तरीके से ब्लैक कमांडर उस पर फायर कर रहा था उस तरीके से उसे पता चला कि भाई इसे मारना मुश्किल है। बट एट दी एंड हमारा ब्लैक कमांडर उसको बड़ी आसानी से मार देता है, उस पर बहुत चोटें भी आती है ब्लैक कमांडर को, बट फिर भी यार ब्लैक कमांडर उसे मार देता है। और कहीं ना कहीं यार ब्लैक कमांडर को लगता है ये जो वो कर रहा है वो सही भी है, क्योंकि जहाँ तक जिन जिन बंदों को उसने मारा वो सभी का सभी इस गेम में इसलिए है क्योंकि उन्होंने भी कहीं दूसरों को मार के यहाँ पे अपनी पोजीशन खड़ी की है। बट फिर यार ब्लैक कमांडर ऐसा भी सोचता है कि मैं भी इन लोगों को मार के कहीं वो गुनहगार ना बन जाऊँ। बट अब फिर बाद में वो सोचता है यार अपनी फैमिली को बचाने के लिए उसे ये सब करना ही पड़ेगा, तो दैट्स वाई यार वो बहुत से बंदों को मारता ही रहता है, जैसे कि यहाँ पे एक और बंदे को तो यार अब जो ब्लैक कमांडर आगे बढ़ते हैं और उसके अलावा सिर्फ दो ही बंदे और बचे हुए रहते हैं, तो वो सिर्फ यही सोच रहा है कि यार दो बंदे को मार के वो जिंदा रह जाए ताकि वो अपनी फैमिली और रेड कमांडर की फैमिली और रेड कमांडर को बचा सके। और उसके सामने एक बंदा भी दिखता है जिसे कि वो मारने की कोशिश नहीं करता, वो ये सोचता हुआ है कि यार वो बाहर निकला तभी उसे मारूंगा क्योंकि शायद अंदर जाना उसके लिए खतरनाक साबित हो। वो कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहता क्योंकि अब उस पर प्रेशर बढ़ चुका है, अब सिर्फ दो ही बंदे बचे हैं, शायद कुछ ऐसा हो कि यार वो इसे मारने जाए और पीछे से दूसरा बंदा अपने ब्लैक कमांडर को मार दे। तो दैट्स वाई वो कोई भी जल्दबाजी नहीं करता, जैसे ही बंदा मार आ रहा है पहले ब्लैक कमांडर उसे फायर करता है बट वो बच जाता है, लेकिन कुछ भी करके अपना ब्लैक कमांडर उसे मार देता है। अब फिर पता चलता है कि यार जो आखिरी इसके अलावा बंदा बचा हुआ है वो भी यहीं कहीं पे, तो वो पूरी तरह से सतर्क हो जाता है, कवर में चला जाता है। जैसे ही वो बंदा बाहर निकलता है तुरंत ही अपना हीरो उसको मार देता है और यार खुशी मना रहा होता है कि वो जीत गया। अब यार वो सिर्फ एक ही दुआ कर रहा होता है भगवान से कि यार प्लीज़ उसकी फैमिली और रेड कमांडर की फैमिली को एवियन टैनन जो छोड़ दे और माफ़ कर दे, जाने दे, क्योंकि एवियन टैनन की फ़ौज इतनी बड़ी हुई है कि ये उनकी फ़ौज का कुछ कर भी नहीं सकता, और अगर कुछ किया तो कुछ ऐसा भी हो सकता है कि एवियन टैनन उसकी फैमिली को मार दे। तो दैट्स वो भगवान के सामने झुककर भगवान से माफ़ी मांगते हैं कि उसने इतने सारे बंदों को मार दिया, और ये भी प्रार्थना करता है कि यार प्लीज़ भगवान मेरी फैमिली को बचा लो। तो यार अब आगे की कहानी आपको आगे के वीडियोस में देखने को मिल जाएंगी। तो यार वीडियो देखने के मज़े आने यार लाइक मार दो, तुम चाहते हो कि तुम्हारे दोस्त भी इस चीज़ के मजे ले तो यार उनको शेयर कर दो, और आगे की कहानी जाननी हो तुम्हें कि आगे अगर होता क्या है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन को ऑल पर रख दो क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द आने वाला है। तो यार इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करो ताकि इसका मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी से जल्दी बनाओ, और कमेंट में बताओ कि यार तुम्हें ये कहानी कैसी लगी, और सारे दोस्तों को शेयर भी कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को ऐसे ही और नए वीडियोस देखने के लिए इस कहानी से रिलेटेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस लाइफ।